नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना नरूला, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट मदरहुड IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही कॉमनली जो देखे हुए बीमारी हमें जो फर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिलती है उसकी बात करूँगी। वो है एंडोमेट्रियोसिस, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक इस तरह की बीमारी है जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है वो नॉर्मली जो बच्चेदानी के अंदर है उसके अलावा और जगहों पे देखने को मिलती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या एक तरह की सोजिश है जिसमें पेशेंट को पेन की प्रॉब्लम रहती है। बच्चेदानी के बाहर, आगे या पीछे, या ब्लैडर पे, या फिर अंतड़ियों में, या बच्चेदानी के जो साइड पे ट्यूब्स होती हैं फिलोपियन ट्यूब्स, वहाँ पे देखने को मिलती है। अंडेदानी में देखने को मिलती है, अंडेदानी के बाहर या अंडेदानी के अंदर भी देख सकते हैं इनको, या रेयरली ये इस तरह इसके जो इम्प्लांट्स हैं या इसके जो पीसेज हैं वो चेस्ट या डायफ्राम में भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हमारे पास 25 से 40 साल या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बीच में जो लेडीज़ हैं उनमें ये हमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। और मैक्सिमम पेशेंट्स जो फर्टिलिटी के, जो हम इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट या बांझपन के पेशेंट जो हम ट्रीट कर रहे हैं उनमें हमें बहुत कॉमनली ये डे टू डे बेसिस पे ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और हम उसका इलाज भी करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर क्या हैं, कि क्यों होती है। इसका कोई सही से कारण का किसी को नहीं मालूम कि एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम क्यों होती है। कुछ अलग अलग थ्योरीज ही देखने को आई हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को आया है कि जिन लड़कियों को टाइम से पहले थोड़ा जल्दी पीरियड शुरू हो जाते हैं, या फिर लंबे लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती है, या शॉर्ट साइकिल्स होते हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री होती है इस तरह की कोई मदर में या सिस्टर में, या फिर इनके कोई यूट्रस में या फिलोपियन ट्यूब्स में कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स या कोई ब्लॉकेज होती है, तो उनमें ही एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पेशेंट हमारे पास आता है? ज़्यादातर जो बिकॉज़ हम फर्टिलिटी क्लिनिक में बैठे हैं, हमारे पास जो पेशेंट आता है वो इनफर्टिलिटी के साथ आता है, मतलब बच्चा नहीं हो रहा, प्लान कर रहे हैं, एक साल हो गया प्रेगनेंसी प्लान करते हुए विदाउट एनी कॉन्ट्रसेप्शन, तो उसके बाद भी बेबी नहीं हो पा रहा, तो उनमें जो है ज़्यादातर ये दिक्कत देखने को मिलती है जब हम टेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको। सेकेंडली, पेशेंट को पीरियड्स के टाइम, पीरियड से पहले या पीरियड्स में हैवी पेन होती है, या फिर एक क्रॉनिक पेल्विक पेन जिसको बोलते हैं, नीचे जो बच्चेदानी वाले एरिया के आसपास नलों में जिसको कहते हैं, या लोअर एब्डोमेन में, पेट में हमेशा ही एक तरह की, या बैक में पेन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जो आपस में रिलेशन बनाते वक्त उनको पेन की प्रॉब्लम होती है जिसको हम डिस्पेरियोनिया कहते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड पे कोई चॉकलेट सिस्ट होती है। वैसे पेशेंट को कोई पेन नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे हमें चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलती है। इस तरह से पेशेंट हमारे पास आता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं पेशेंट की। डायग्नोसिस जैसे मैंने पहले बताया, ये सिम्टम्स से हमें शक होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर साथ में हम उसकी पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को अच्छे से चेक करते हैं, तो उसमें हमें कुछ दिख सकते हैं इसके साइंस सिम्टम्स, फिर अल्ट्रासाउंड पे चॉकलेट सिस्ट दिख सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट हैं जो हम लैप्रोस्कोपी करते हैं उनमें हमें वो जो छोटी छोटी क्रॉनिक जो पॉइंट्स होते हैं इसके एंडोमेट्रियोसिस के, जो सोजिश के पॉइंट्स होते हैं वो नज़र आते हैं। तो फिर हम अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है पेशेंट की, लेडी की एज कितनी है, सेकेंडली वो बच्चा प्लान करना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं। अगर तो देखो वो बच्चा नहीं चाहते, सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, उनको पेन है, उनको सिम्टम्स इस तरह के हो रहे हैं कि उनको दिक्कत आ रही है कोई, जैसे जिस तरह से मैंने पहले बोला कि हर तरह पीरियड्स में पेन हो गई, या बाउल मूवमेंट्स में पेन हो गई, या फिर उनको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो फिर उनकी जो ट्रीटमेंट है वो हॉर्मोनल या पेन किलर्स इस तरह से की जाती है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो चाइल्ड बेयरिंग के लिए आता है, तो फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग की जाती है। चाइल्ड बेयरिंग में मतलब हम जब बांझपन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, तो फिर एंडोमेट्रियोसिस जो होती है उसमें जो नॉर्मल स्पर्म और नॉर्मल एग की जो मिलना है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है जो बॉडी में होता है, उसमें दिक्कत कर सकती है, क्योंकि ये एक
सोजिश है, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो स्पर्म्स और एग्स को मिलने से, फर्टिलाइज होने से, उनके इम्प्लांटेशन में जो ट्यूब हैं उसकी ट्यूब की जो फंक्शन होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो इस करके जो नेचुरल प्रेगनेंसी रेट्स हैं वो देखा गया है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, नेचुरल प्रेगनेंसी रेट्स उसमें कम रहते हैं। जैसे कि अगर किसी के चॉकलेट सिस्ट हैं तो ओवुलेशन में दिक्कत आती है ना, जो वो जो दबाव क्रिएट करती हैं, जो ब्लड फिल्ड सिस्ट होती हैं, जो खून से भरी हुई सैक्स बने होते हैं आसपास अंडेदानी में या उसके आसपास, वो नॉर्मल जो एग को रिलीज़ होने में दिक्कत करते हैं। अगर एग रिलीज़ हो जाता है वो ट्यूब में नहीं जाता, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा देर से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उस हमें पता चल गया है, डायग्नोज हो गया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, तो उसमें हम पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर सिस्ट जो हैं छोटी हैं, कुछ साइज़ की हैं और हमें ओवरीज़ के अंदर एग्स नज़र आ रहे हैं, उनका AMH नॉर्मल है, तो हम पेशेंट को IVF टेक्निक जो है ज़रूर बताते हैं, उसको समझाते हैं। अगर पेशेंट अगर रेडी होता है तो उसके लिए IVF कराने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि नॉर्मली जो एग रिलीज़ नहीं हो रहा, इसमें हमने इंजेक्शंस लगा के जो फॉलिकल है उनकी ग्रोथ करते हैं, वो जो अंडे हैं अंडेदानी में से बाहर निकाल के उनकी जो फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड द बॉडी इन द लैब की जाती है। और अगर हमारे पास अच्छा एम्ब्रियो बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट तक पहुँच जाता है, पाँचवें दिन का एम्ब्रियो बन जाता है, तो हम अपने पास फ्रीज करके रख सकते हैं और एक नॉर्मल नेचुरल साइकिल में या फिर दवाई देके एक फ्यूचर स्टेज में उनके प्रॉपर जब शरीर ठीक होता है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो अच्छे चांसेस मिलते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस थोड़ी हल्की है तो हम पहले IUIs वगैरह भी ट्राई करते हैं, एग फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन जब देते हैं तो फिर फॉलिकल ट्रैक करते हैं उनका अल्ट्रासाउंड करके, और जब एक साइज़ का पहुँच जाता है सीमेन एनालिसिस कर, जो सीमेन वॉश करके उसको बच्चेदानी के अंदर रख सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट में थोड़ा माइल्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी कम है दिक्कत, तो उनमें इस तरह से भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू।